अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली में कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं, और टैली में काम करने के लिए ये क्यों और कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपने किसी भी ट्रांजेक्शन को देखकर ये पहचानना सीखा कि उसे टैली में किस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। आज के अध्याय में आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और फिर देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे करते हैं। इन दोनों के अंतर्गत आपको ऐसे बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे जिनकी सहायता से आप टैली का और भी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इन्हें एक बार देखकर नहीं समझा जा सकता है। इन्हें आप टैली में काम करते समय अलग अलग स्थानों पर उपयोग करते हुए सीख सकेंगे। इस वीडियो में हम केवल इनका सामान्य परिचय आपको दे रहे हैं। यहाँ हमने टैली में एक कंपनी ओपन कर रखी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कंपनी फीचर्स के बारे में। टैली ईआरपी 9 के कंपनी फीचर्स में जो ऑप्शंस हैं, वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आपके बिजनेस की जरूरत के हिसाब से मेंटेन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसे सरल शब्दों में समझते हैं। जैसा कि फीचर्स का अर्थ होता है विशेषताएं, टैली सॉफ्टवेयर की कई विशेषताएं हैं जिनका आप अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, और ये सभी आपको कंपनी फीचर्स के अंतर्गत मिलती हैं। मान लीजिए आपने टैली में 10 कंपनियां बना रखी हैं और उनमें से किसी एक कंपनी में आप फीचर्स के कुछ ऑप्शंस चालू यानी इनेबल कर देते हैं, तो उनका प्रभाव केवल उसी कंपनी में दिखेगा जिसमें आपने इन्हें इनेबल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य 9 कंपनियों पर उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। राइट साइड में वर्टिकल बटन बार में आप फीचर्स लिखा हुआ देख रहे हैं। इसकी शॉर्टकट की है F11। F11 की को प्रेस करके कंपनी फीचर्स मेन्यू को एक्सेस किया जा सकता है, यानी उस तक पहुंचा जा सकता है। ध्यान रखें, टैली की किसी भी स्क्रीन से F11 प्रेस करके या बटन बार में उपलब्ध F11 फीचर्स बटन पर क्लिक करके आप फीचर्स पर पहुंच सकते हैं। टैली आरपी 9 में कंपनी फीचर्स सेक्शन को कुछ मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। ये हैं अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स, स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन, TSS फीचर्स और एड ऑन फीचर्स। इनमें से भी हमारे लिए पहले 3 फीचर्स ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप ये जो कैटेगरीज देख रहे हैं, इनमें जाने के लिए भी शॉर्टकट्स हैं जो कि राइट साइड में दिखाई पड़ रहे हैं। इन सभी में इनके नाम के अनुसार बहुत सी सेटिंग्स भी उपलब्ध हैं जो कि हमें वाउचर एंट्री के दौरान एडवांस्ड फंक्शंस की सुविधा प्रदान करती हैं। हम F1 प्रेस कर रहे हैं। देखिए, अकाउंटिंग फीचर्स वाली विंडो आ गई है। यहाँ अलग अलग हेडिंग्स में कई सेटिंग्स दी हुई हैं। उदाहरण के लिए हम एक समझ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत मेंटेन बिलवाइज डिटेल्स दिखाई पड़ रहा है। ये ऑप्शन चालू है। इसका मतलब है जब भी आप किसी भी सप्लायर या कस्टमर से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो टैली आपसे पूछेगा कि आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एडवांस पेमेंट से संबंधित है या किसी पुराने बकाया बिल से इत्यादि। अब यदि आप इस ऑप्शन को नो करके विंडो सेव कर लेंगे तो टैली आपसे पूछना बंद कर देगा। आइए F2 की प्रेस करके देखते हैं। देखिए, यहाँ इन्वेंटरी फीचर्स वाली विंडो आ गई है।
और इसमें भी इन्वेंटरी यानी स्टॉक से संबंधित कई सेटिंग्स दिखाई पड़ रही हैं। मान लीजिए आपने अपना माल रखने के लिए 2 गोडाउन्स ले रखे हैं, तो उन गोडाउन्स का अलग अलग स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स ऑप्शन को यस करके इस विंडो को सेव कर लेना होगा। इसके बाद ही आप दोनों गोडाउन्स का अलग अलग स्टॉक रख पाएंगे। आइए F3 की प्रेस करके देखते हैं। ये देखिए स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन वाली विंडो आ गई है। इसमें भी कई सेटिंग्स दिखाई पड़ रही हैं। मान लीजिए हमारे पास GST नंबर है, तो टैली में GST के नियमों के अनुसार हिसाब किताब रखने के लिए एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तथा सेट और ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करना होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता दें, आपको जिन फीचर्स की जरूरत है सिर्फ उन्हें ही चालू करें यानी यस करें, क्योंकि आप जितने भी फीचर्स चालू करेंगे उन सभी की एक एक प्रोसेस और बढ़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि इस वीडियो में हम आपको जो समझा रहे हैं वो एक बार देखकर नहीं समझा जा सकता है। इन्हें हम आपको टैली में काम करते समय अलग अलग स्थानों पर उपयोग करते हुए सिखाएंगे। इस वीडियो में मात्र इनका सामान्य परिचय आपको दे रहे हैं। आइए अब कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेते हैं। टैली ERP 9 में कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको किसी फीचर को मॉडिफाई करने में मदद करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि जब कॉन्फ़िगरेशन के किसी भी ऑप्शन को इनेबल किया जाता है तो डेटा डायरेक्टरी में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। डेटा डायरेक्टरी क्या है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ वर्टिकल बटन बार में आप कॉन्फिगर लिखा हुआ देख रहे हैं। इसकी शॉर्टकट की है F12। F12 प्रेस करते ही आप कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ गई है और यहाँ उसका मेन्यू दिखाई पड़ रहा है। इस मेन्यू में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आप उनमें से किसी में भी जाकर अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हम वाउचर एंट्री में चलकर देखते हैं, उसके लिए V प्रेस करें। देखिए वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ गई है। इसमें बहुत से ऑप्शंस दिए हुए हैं, उदाहरण के लिए हम एक समझ लेते हैं। इसमें यहाँ वॉन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस लिखा है और उसके आगे यस लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कैश पेमेंट से संबंधित कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जाएंगे और आपके बुक्स में कैश अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो टैली आपको नेगेटिव कैश की वार्निंग देता है, और यदि आप चाहते हैं कि कैश बैलेंस नेगेटिव होने के बाद भी इस तरह की वार्निंग ना आए तो आप इसे नो करके इस विंडो को सेव कर लें। इस तरह आप किसी भी ऑप्शन का उपयोग करके अपनी जरूरत अनुसार कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस उनके ऑपरेशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर काम के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन विंडो भी बदल जाती है। अलग अलग स्क्रीन पर जब आप F12 प्रेस करेंगे तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन विंडो दिखाई देगी। चलिए कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में समझ लेते हैं। कंपनी फीचर्स की सहायता से आप जिस कंपनी में चाहें उसमें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं या फीचर्स चालू कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पार्टियों का बिल टू बिल हिसाब रखना चाहते हैं, या अलग अलग गोडाउन्स का अलग अलग हिसाब रखना चाहते हैं, या यदि आपके पास GST नंबर है और आप उसके हिसाब से अपनी अकाउंट्स बुक्स रखना चाहते हैं तो ये काम आप कंपनी फीचर्स की सहायता से कर सकते हैं। जबकि कॉन्फ़िगर ऑप्शन की सहायता से आप टैली में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं यानी फीचर्स अवेलेबल हैं उन्हें एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यदि आप कैश पेमेंट से संबंधित कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस समय आपके बुक्स में कैश बैलेंस नहीं है तो टैली आपको नेगेटिव कैश की वार्निंग देता है। इसी तरह आप किसी माल का सेल बिल बना रहे हैं और वो माल स्टॉक में नहीं है तो टैली नेगेटिव स्टॉक की वार्निंग देता है। यदि आप चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते समय टैली आपको इस तरह की वार्निंग ना दे तो आप इसे कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से बंद कर सकते हैं,
और जो ऑप्शंस बंद हैं उन्हें चालू कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन डेटा डायरेक्टरी की सभी कंपनियों पर लागू होगा। इस वीडियो में आपने जाना कि टैली में कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं और टैली में काम करने के लिए ये क्यों और कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर क्या हैं और उनमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दिया है,